हेलो। हाँ चौहान साहब बोल रहे हैं सर। हाँ जी, जय माता दी। राम राम सर। जय माता दी सर। मैं 13 सितंबर को मैं गया मिला था गुरु जी से पंडोकर धाम में। तो अच्छा हमें चाहिए था, मान 1997 में खेत खेत खरीदा था, उसकी रजिस्ट्री जिसे रजिस्ट्री कराई थी हमने, तो वो रजिस्ट्री हमें मिल नहीं रही है। वो रजिस्ट्री पूछने के लिए मैं उनके पास गया था किस तारीख की रजिस्ट्री है, तो बोला हम ये नहीं बता सकते, अच्छा ये नहीं बता पाए। फिर अभी पिछले महीने अभी अनाउंस किया था, बोला 22 तारीख का आया, मैं 22 तारीख को भी गया। 22 तारीख हो गए, करीब 400 आदमी ऐसे हमारे जैसे दोबारा दिखाने वाले जिनका काम नहीं हुआ, कितने लोग? 400। 400 आदमी हो गए। और वो तो कह रहे थे 50 आदमी अगर आ जाएंगे तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा। 50 आदमी नहीं, कम से कम 400 आदमी था साहब, ठीक है ना। और अच्छा, आपका देखा कुल भी नाम कि क्या है? किसी से मिले भी नहीं, एक दो को मिले हैं, बाकी बोल दिया गुप्ता जी पर्ची बनाई तब आना। गुप्ता जी तो सुनते ही नहीं है, ठीक है। उनको तो 3 रामायण 3 हवन और 3 नारियल बंधन वो दिखाई दे रहा है उन्हें, 7 अमावस्या। आप ये आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम रामपाल गंगवार है, मैंने रात को ही फोन किया था, आप रास्ते में थे सर, रामपाल गंगवार। आप प्रॉपर कहाँ से? बरेली से। हाँ बरेली से। तो फिर आप 22 तारीख गए तो क्या हुआ? मिलने नहीं दिया, वो पर्ची नहीं बनाई गुप्ता जी ने हमारी, बोला अच्छा, 5 रामायण 5 हवन कराओ, उसके बाद में 7 अमावस्या कर उसके बाद नंबर आएगा, या तो आप 2022 में ही आए हो, कैसे आ गए आप दोबारा। मैं बोला दोबारा बुलाया था जिसकी समस्या हल नहीं हुई वो उसके लिए, मैं बोला इसमें ना रामायण के चक्कर है ना हवन के चक्कर है, ये तो तुरंत बताने वाली चीज है, रजिस्ट्री नंबर बताना था। बोला हम नहीं बता पाएंगे, तो त्रिकाल किस बात के हो आप। मैं बोला ठीक पहली है। बार जब आप गए थे तो हाँ गए कब थे? 30 मैं गया था साहब 30 जुलाई को, जुलाई 2022। 30 जुलाई 2022 को मैंने पर्ची कटाई थी कितने की? 2100 की। अच्छा, अब फिर मैं चला आया, क्यों हमें पता था यहाँ नंबर आना नहीं 1.5 महीने से पहले। फिर मैं दोबारा गया हूँ सितंबर में, अच्छा, तो मैं करीब 9-10 दिन बाहर रुका, तो हमारा 13 सितंबर को नंबर आया। हाँ 12 पहले वो रूम में बुलाए थे, बुलाए तो कई बार रूम में, लेकिन वो हमारा नंबर ही नहीं आता, वीआईपी इतने हो जाते हैं हमसे ज्यादा कि वो बुनी निपटा पाते। 6ठे दिन बड़ी मुश्किल नंबर आया कमरे में, ठीक 12 तारीख को। तो 12 तारीख को नंबर आया, तो हमने ये पूछा, बोला नहीं ये नहीं बता सकते। तो मैं है। बोला फिर तो फिर सर काला के जो है तो फिर काय नहीं बता सकते? हाँ, मैं बोला आप सब कुछ बता सकते, ये क्यों नहीं बता सकते, जब चोरी छिनेरे के सब कुछ बता सकते हो आप, सरेआम बेइज्जती कर सकते हो औरतों की, तो ये क्यों नहीं बता सकते, ये तो साधारण का है। बोला नहीं ये नहीं बता सकते। वो तो बहुत खतरनाक खतरनाक चीज बता देते हैं कि लड़कियों का साथ, महिलाओं के साथ कुछ हाँ, भी तो बता देते हैं कि मैं इसका अफेयर है, उससे है, दुनिया भर का। हाँ तो मैं बोला ये सब बता दे तो ये क्यों नहीं बता सकते, ये तो भाई आम चीज है, ठीक है इसको। बोला नहीं हम ये नहीं बता सकते, आप जाओ चलिए। बोला कल दरबार मिलना तुम्हारे घर में, वो तंत्र क्रिया आज ये वो करके कल दरबार मिलना, ये हम बालाजी को भेजेंगे तो उधर से आएगा। वहां गए तो साहब वही हम जो हमने पर्चे में लिखा था वही उतार को ने सुना दिया। अच्छा, हाँ वो पर्चा हमसे ले लिया, हाँ, अब वही उतार के फटाफट कमरे में वही दूसरे दिन दरबार में सुना दिया मतलब वो आप पर। दरबार में भी थे 22 तारीख हाँ दरबार में दूसरे दिन बुला, को? दूसरे दिन दरबार में बुलाया था, बोला हम मतलब वहां क्लियर करेंगे। तो ये साहब 22 तारीख वहां वही नहीं, 22 तारीख की बात है। ना ना ये है 13 सितंबर की बात है, अच्छा, 12 सितंबर को सितंबर। कमरे में बुलाया था, कमरे में बात हाँ हुई थी, 13 सितंबर बोला आप कल दरबार माना, तो वही पर्चा हमारा जो लिख हाँ के रखा था हमारा पर्चा, वही पर्चा पूरा उतार गुन ने सुना दिया हमें। तो उसमें क्या लिखा था इसे जनरल पर्चे में? पर्चे में ये लिखा था कि मतलब ये आशा देवी से मैंने रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री उसकी रजिस्ट्री कब हुई वो हमें मिल नहीं रही, 2-2.5 साल हो गया डोड़वाते डोड़वाते, 5-6 हजार रुपया खर्च हो चुका है हमारा, लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं मिल रही, उसकी डेट बता दो साहब मैं जिससे मैं ढूंढवा सकूं। हाँ बोला नहीं जी नहीं मैं बता सकते। तो मैं बोला आप तो सब कुछ तो बता बता सकते हो, चोरी छिनेरे सब बता देते हो, हैं हाँ 40-40 50-50 साल के बता देते हो चोरी छिनेरे, तो इसमें कौन से, ये तो साधारण चीज है साहब, इसको तो बता सकते हो। बोला नहीं हाँ जी नहीं बता सकते, आप जाइए ठीक है, तो डॉक्टर साहब।
तो जब इतनी छोटी चीज बताने को तैयार नहीं थे, बड़ी बड़ी के लेकर हाँ लंबी लंबी हाँक रहे जी, हैं। मैं पूरा मैंने फोटोशूट करा लिया, मैं सारा भेजूंगा, अपना पर्चा भी भेजूंगा, वही हाँ पुराना पर्चा मैंने रखा है, संभाल ही रखा है, हाँ वो पर्चा भी भेजूंगा, और इनके जितने जो हैं चार अंबाब से करते हुआ वो भी मैं भेजूंगा, सारा भेजूंगा, अपना फोटो भेजूंगा, और इनके इतने उल्टे काम है साहब, 60 किलोमीटर झांसी से पंडोकर, 200 रुपया किराया, 7 सवारी पास है और 11 सवारी कैसे आती है उसमें, अच्छा कोई शासन वाला भी नहीं रोकता, प्रशासन वाला नहीं रोकता, और दूसरी बात इनको गवर्नमेंट से चार दरोगा कैसे मिले हुए हैं हथियार के। अब देख लीजिए कितना गलत हाँ, के इसमें ऊपर गलत हो रहा है, इसका मतलब इसमें शासन में प्रशासन सब मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। हाँ, शासन प्रशासन सब मिले हुए हैं, क्योंकि दरोगा चार रहते हैं माय वेपन के पिस्टल के साथ में, अच्छा हाँ पिस्टल और कार्बन साथ में, ये तो सरकार से मिले होंगे इनको। कुछ तो एक चीज समझ लीजिए कि हाँ ये कहीं ना कहीं तो ये जो बातें बता रहे हैं कि हम त्रिकाल लगे हैं, हाँ ये केवल भाव का लाए बनाए हैं और कुछ नहीं है। ये हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि वो कमरे वो उठा रखे 1500-1500 में एसी वाले, ठीक है नॉर्मल कमरे वो 100-100 रुपए में, जो नीचे हाल है उसमें खाली पैर रखने की जगह नहीं, वो 130 रुपया उसका रात भर का, समझे। नहीं तो इससे तो ये सिद्ध हो गया कि जब आए हैं छोटी सी चीज नहीं बताना है हाँ और कहेंगे हम त्रिकालज्ञ हैं, हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्या कर अच्छा, सकते हैं। दिखाने वाले मुश्किल से नई पर्ची हाँ 50-60 कटती होंगी, अच्छा लेकिन किसी को देखेंगे तब तो आदमी कम होगा, सबको तो मुआवजे से लिख देते हैं, ठीक है जब देखोगे नहीं तो आदमी कम होगा, वो तो आदमी बढ़ता जाएगा, मुआवजे वाले भी जाएंगे वो भी जाएंगे, वो बिल्कुल भीड़ बिल्कुल अब तो और ज्यादा दिखा रहे हैं, अब तो देख ही नहीं रहे, एक दो को देखते हैं वो भी इन्हीं के चमचे होते हैं वो, अच्छा हाँ वो इनके ही आदमी है, एक आदमी 22 तारीख को मिला है 5 बार माइक लेके भैंस हाँ खड़ा होके बोल रहा है नजदीकी पास में ही, हाँ एक बार मिलना मुश्किल होता है आदमी को, ये 5 बार कैसे इसको सल्व किया इसकी सब पर, तो इसका मतलब इसी इन्हीं का आदमी था वो, अगर ऐसा है तो फिर तो कंफर्म है। हाँ कन्फर्म इन्हीं का आदमी है, हम तो समझते इन्हीं का आदमी है, जो 5 बार एक आदमी बोल रहा है, बाकी दूसरे को बोलने में मौका नहीं मिलता, तेरा डाटा समाप्त आउट, समझे, वो हाँ अपनी डाटा समस्या खत्म नहीं बता हो पा गया रहा, तब आउट हो तक गया डाटा आउट। समाप्त हो जाता है आउट, और वो अच्छा 5 बार साहब खड़ा हुआ वही सामने मैक लेके वो भी खड़ा है, अब उसका डाटा समाप्त नहीं हो रहा तो उसका नहीं हो रहा है, उसको बार बार बताए जा रहे हैं, फिर पक्का मान लीजिए कि फिर अभी इनका डाटा खत्म हो गया है। हाँ, मतलब वो उन्हीं का आदमी था, मैं तो वो लगता हाँ तो क्या है कि पंडोकर बाबा के लगता है डाटा खत्म हो गया है, अब ये बताने की स्थिति में रह नहीं गए। ये अब तो थोड़ा सुधार हो गया इधर उधर से, अब वो डाटा समाप्त वाला इन्होंने बंद कर दिया बोलना, अच्छा, हाँ अब थोड़ा प्यार से बोलने लगे, बोला तुम भगत भगतों से आप हमारे हम आपके हैं, ठीक है ना, अब तो बड़े प्यार से बात करते हैं वैसे, ठीक हाँ जब देखे कि बहुत वीडियो पड़ रहे हैं तो हाँ, सोचा कि कुछ सुधार करें। हाँ जब देख लिया ना डंडा आने वाला नीचे उतरने वाले हैं, तो आप बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं, लेकिन भीड़ बढ़ाया जा रहा है, देख नहीं रहे किसी को, वीआईपी भी देखते हो देखते होंगे कमरे में, हाँ बाकी जनता को नहीं देख रहे, जनता मर रही है ऐसे ही, तभी वो भीड़ बढ़ते जा रही, अंबावट वाले बढ़ते जा रहे, जा रहे तो नहीं देखना था तुम्हें तो क्यों 22 तारीख को बुलाया उन लोगों को, इसका काम बिल्कुल। नहीं हुआ बुला जाओ करके, और दूसरी बात, जब आप कह रहे हैं 50 आदमी अगर आ जाएंगे तो हम गद्दी छोड़ देंगे, तो 50 नहीं 400 आदमी दे कम से कम, रजिस्टर नहीं इनके रजिस्टर में नाम लिखे हुए हैं, तो जब आपके कहने के अनुसार 400 पहुंच गए तो गद्दी से इतने 1 किलोमीटर दूर हो जाना चाहिए। 4.5 लाइनें थी साहब, उस दिन मैंने खुद गिनती किया, एक साइड में पूरा अच्छा, 1 लाइन में कितने लोग होंगे लगभग, एक लाइन में कम से कम 100 से ऊपर आदमी होंगे, और 4.5 लाइनें थी, तो फिर तो इन्हें गद्दी छोड़नी चाहिए हर हालत गद्दी इनको छोड़ना चाहिए, में। जबरदस्ती कब्जा किए बैठे हैं। अब जो इन्होंने हर महीने में हिसाब बना दिया, बोला अम्बाबस से एक दिन पहले आ जाओ हर महीने देखेंगे, क्या देखोगे साले, बुला तो तुम रहे हो आदमी, किराया भाड़ा खाना पीना खर्च हो रहा है और तुम उसको देखते ही नहीं हो, क्या फायदा उसको जाने का, उसका किराया भाड़ा और लगवा रहे हो, उसके पैसे और देखो कम हो रहे हैं। साहब हम कितनी भी कंजूसी करते हैं 17-18 रुपए खर्च हो जाते हैं, जबकि मुंह बंद करके बांध के रखते हैं तब, हाँ किराया भाड़ा और फिर
चार सौ, 400 रुपया तो वही हो जाता है उनका, पंडोकर से झांसी, झांसी से पंडोकर वाला आने जाने का, आने जाने, वो एक गाड़ी 20,000 जब लाए, 2,000 का नहीं कर लेगा, 10 सवारी तब तक वो चलेगा नहीं। अच्छा हाँ, 10 सवारी बिठाता है, 11वां ड्राइवर, 7 सीटर पास है और चल रही उसमें 11 सवारी। अब कोई रोक टोक भी नहीं, कोई रोकता भी नहीं, ना पुलिस वाला ना कोई रोकता भी नहीं। यही तो बात है। अच्छा ऐसा है हाँ कि आप मुझे अपनी सारी पर्ची हाँ और वो अपनी फोटो सब भेजिए, हाँ आपकी वीडियो हम डालते हैं, और इनकी अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो और डालनी पड़ेगी। इसकी वीडियो जितनी आदि साहब सब डालो, और मैं साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेके सुप्रीम कोर्ट तक मैं गवाही देने को तैयार हूँ, मैं जहाँ बताऊँ वहाँ मिलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और जो आपके संपर्क में हो हाँ आप उन्हें भी कहिए फोन करें, सब कम कम से कम 100-200 वीडियो इनको डाल दिया जाते हैं। मैंने 10-5 को तो बता दिया है, जो हम जो हमसे वहां मिले थे उनको 10-5 बता दिया, मतलब सबका चौहान साहब को डालो वीडियो आप, ठीक है। एक सरदार था दिल्ली का बेचारे, 2 लाख रुपया खर्च हो गए, छह रामायण छह छह हवन करा चुका, दो दो बार पर्ची करा चुका, वो 51,000 की बताओ, उसका काम नहीं हुआ एक पैसे का। तो ये तो आती है, और दोबारा मिले भी नहीं, 22 तारीख को दोबारा गया था वो, हमारे साथ ही गया था झांसी से, और दोबारा भी नहीं मिले उससे। बताओ वो आज हराल में अंदर घुसेगा आदमी, सही बात। तो मान लो मैंने सोचा यार वो ये कैसे हो रहा है, ना कह रहा है तो जब इतना कह रहा है कहीं तो शुरुआत हो गई है, तो शुरुआत हो गई है ना। बात तो सही है, बात तो सही है, आने वाला नहीं मैं जहाँ बताऊंगा। मतलब चैन से रहने देने नहीं, चैन से नहीं रहने देने, क्योंकि इन्होंने बहुत जनता को लूटा। हाँ, इसको चैन से बैठने नहीं देना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप भेजिए मुझे सब, ठीक है मैं भेज रहा हूँ। जय माता दी।